वालेकुम, कैसे हैं आप? सब उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी जो है गुल्लू के लिए यहाँ पर हमारे आए हैं खिलौने, तो ये खिलौना से खेल रहे हैं अभी यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। क्या देख रहे हो उसको? वाले से बात करके आए हूँ, सुजुकी वाले ने भी बात की है, तो अभी मैं और तनवीर ऊपर जाते हैं, हम लोग सामान उतारते हैं क्योंकि हमने आज सामान जो है उस घर में शिफ्ट करना है, तो आपसे सब शेयर करेंगे हम, तो चलते हैं ऊपर। मैंने बोला तनवीर को, बोला दरवाज़ा खोल दो तो तुम अंदर चले जाओ, इस गुल्लू को देख के जाना। मैं अभी आया हूँ, यहाँ पर छुप के बैठा हुआ था। चलो चलो, गुल्लू का खाना ख़त्म था, वो मैंने मंगवाया तनवीर से। यहाँ पर आज हमारा क्या काम है, सारा कुछ पैक हुआ है, बस ये सामान को उठा के हमने जो है नीचे रखना है अब, तो स्टार्ट करते हैं। और एक मसला और है कि भाई नीचे जो हम सामान रखते जाएंगे, नीचे कौन होगा देखने वाला? तो कोई भी नहीं है। चलो देखते हैं क्या होता है फिर। भाई दो बोरियाँ यहाँ से, तीन बोरियाँ सॉरी यहाँ से उठा ली हैं, अभी वहाँ से भी एक चली गई है, अभी मैं यहाँ से जो है एक और बोरी नीचे फेंकता हूँ। और बोरी यहाँ से मैंने यहाँ से निकाली, तो ये अभी नीचे लेके जा रहे हैं। चुके हैं वॉशिंग मशीन, अलमारियाँ और फ्रिज, मतलब बहुत सामान अभी भी बाकी है। भाई पसीने से मेरी हालत कुछ ऐसी हो चुकी है, तो यहाँ पर जो है भाई हम लोग जो बोरियाँ थी सारी कपड़ों की सब कुछ चली गई हैं। जो है भाई सारा सामान नीचे पहले ही आ चुका है, अभी बेड का थोड़ा सामान है ये भी नीचे आ गया, कुछ सामान इधर रह गया ऊपर जाके। भाई काफ़ी सामान जो है नीचे उतर चुका है, थोड़ा सा रह चुका है, और यहाँ पर इस कमरे में तो अभी मैं बोलता हूँ कि बाहर का पहले क्लियर करें। जो है इस ये कमरा तो बिल्कुल खाली हो चुका है, बस यहाँ पर जो बेड था गलती से हमने नीचे रख दिया, वो हमने अब ऊपर रखना है रुबीना बाजी के पास। यहाँ पर अभी बैठी हुई है क्योंकि जो है सामान नीचे पड़ा हुआ था यहाँ बिल्डिंग का, तो भाई वो अल्लाह हाफिज़ है, सही है, तो ये भी अम्मी को हमने बिठाया यहाँ ताकि सामान आगे पीछे ना हो जाए, और तो कोई था नहीं। तो अब ये बेड गलती से हम लोग नीचे ले आए, ये हमने अपने रुबीना बाजी को देने ऊपर चलते हैं। बेड जो है ये नैना की अम्मी के लिए हमने यहाँ पर रख दिया रूम में, तो यहाँ से भी सेट करेंगे इसको वहीं पर। वॉशिंग मशीन आ चुकी है, ये बेड आ चुका है मेरा, ये सारा सामान आ चुका है, अब बस फ्रिज रह चुकी है, और एक वो जो बाड़ी चीज़ें एसी रह चुका है, फ्रिज रह चुकी है, और एक ड्रेसिंग टेबल वो रह चुकी है, फ्रिज भी आ चुकी है नीचे, और ये सारा सामान अब ऊपर रह चुकी है। तीन अलमारियाँ, एक शोकेस और एक बेड और एक एसी, मतलब मतलब अभी भी आधा सामान ऊपर ही पड़ा हुआ है, ये सिर्फ आधा सामान नीचे आया है, ये आ चुकी है। अब ये सामान जो है सारा हम लोग रखेंगे यहाँ के जा रहे, बाकी सामान हमने थोड़ा रख दिया वहाँ पे। सारा यहाँ पर हो चुका है, वॉशिंग मशीन सारा इसमें पैक हो चुका है, तनवीर पीछे बैठेगा मैं आगे बैठ जाता हूँ। सामान आ चुका है वॉशिंग मशीन में, भी और सामान लेने जाते हैं हम। सारा सामान आ चुका है, और ये मेरे हाथ छिल गए इस बोरियाँ उठा उठा के, तो ना अभी मैंने यही सोचा है उसको कल उठाएँगे, सुजुकी वाले से मेरी बात हो गई है, तो हाफ सामान हम लोग कल उठाएँगे क्योंकि आज हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो मिलते हैं हम आपसे कल वाले ब्लॉग में, और चीज़ें दिखाऊंगा मैं। पर जो है तीन अलमारी भी हमने उतार दी, हमने बोला चलो बस आज ख़त्म ही करते हैं, बस ये छोटा मोटा सा कचरा रह गया, इसको कल खाली करेंगे। अब यहाँ से बस ये आउटर रह गया, आउटर उठा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है ये एक और मतलब सुजुकी जो है इसको भी हम लोग यहाँ पर फुल, अभी जो है मैं थक हार के अभी उसी घर में आकर बैठा हूँ, यहाँ पर बस ये आउटर रह चुका है, बस ये कुछ चीज़ें छोटी मोटी रह गई हैं, तो बाकी सामान बड़ा बड़ा सामान जो मतलब घर मतलब बिल्कुल खाली हो चुका है। शोकेस तो हो गया, ये खाली हो गया है, ये बिल्कुल खाली, सब कुछ ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल जो है इस घर की हम लोग जो टोटल होगी सफाई करेंगे, और फिर उस घर की कुछ सेटिंग्स हैं वो भी आपको दिखाएंगे कि उस घर में क्या क्या सेटिंग्स करेंगे,
और क्या क्या चीज़ों की कमी है, तो उस चीज़ को भी हम लोग पूरा करेंगे वहाँ पर। तो और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप लोगों से शेयर करनी है, ठीक है, तो शेयर इंशाल्लाह करेंगे। बाकी नैना के ख़िलाफ़ जो प्लानिंग्स बीच में की जाती थी वो इंशाल्लाह फिर से लोगों ने शुरू कर दिए, सही है। और भरपूर कोशिश में कि जैसे ही नैना ब्लॉग डाले तो उसके ऊपर हम लोग ब्लॉग डाल दें। भरपूर कोशिश यही कर रहे हैं लोग आजकल कि उसके व्यूज़ ना आए फिर, ठीक है। तो ये जो घटिया चीज़ें होती हैं लोग, घटिया लोग ही करते हैं, और तो कोई भी नहीं करता, ठीक है। तो वैसे भी नैना के जो व्यूज़ हैं जो अच्छे हैं वो आ रहे हैं, ठीक है, भले लोग जितनी भी कोशिशें कर लें यहाँ पर कि उसको व्यूज़ ना आए, ठीक है। सो भाई आज का जो ब्लॉग है उसको हम लोग यहीं पर एंड करने लगे हैं। लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहें जैसे आप लोग करते हैं डेली। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।